नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। मित्रों, कल 29 अगस्त एक बड़ा दिन था हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि संपूर्ण खेल जगत के लिए। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और उस महान विभूति के नाम पर यह दिवस मनाया जाता है जिसने अपनी स्टिक की, अपने कौशल की बदौलत दुनिया से लोहा मनवाया था। यहां तक कि अब तक के जो बड़े तानाशाह माने जाते हैं उनमें से एक ने उनको बुला करके अपना सहयोगी बनाने का की पेशकश की थी। बावजूद इसके स्वदेश प्रेम जो था इस महान खिलाड़ी में, जिन्हें हम ध्यानचंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसे साफ तौर पर नकार दिया था। वो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि ओलंपिक स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई। और उसी दिन देश के युवा राजनेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया और एक जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके बाद अब भारत डोजो यात्रा। डोजो यात्रा, जोड़ो से डोजो हो गया। ये डोजो यात्रा, डोजो शब्द जो बताया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, शुरू से ही जो चीजें चली आ रही हैं, वो जापानी शब्द है। कुछ लोग इसे आध्यात्म, बौद्ध आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, एक रास्ता है ये, और रास्ता अगर इस तरह का हो जिसमें आपको आत्म अनुशासन का पाठ सबक से सीखने को मिले, आत्मरक्षा का सबक सीखने को मिले, आपकी ट्रेनिंग हो, इस तरह की चीजें लेकर के जब आप चलते हैं तो उसका एक बहुत व्यापक संदेश होता है उसके पीछे। आप आपके अंदर एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिवनेस पैदा होती है। यहां कोई हिंसा की बात नहीं है, यहां कोई अलगाववाद की नहीं बात नहीं है, ये प्रेम की बात है, मोहब्बत की बात है, जो राहुल गांधी अक्सर कहा करते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली थी 22-23 में, उसका एकमात्र संदेश था, सबसे बड़ा संदेश जो था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उसके बाद दूसरी जो यात्रा निकली जिसके अंदर उन्होंने बहुत बारीकी से अपने विरोधियों को तहस नहस कर दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं रह गया। ये बात दीगर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसे समय में निकाली गई जब चुनाव सिर पर था, और उस दौरान भी, अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो सीधा सीधा पब्लिक कनेक्ट था, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों
के हक और हुकूक का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो। तो आज फिर से एक नई यात्रा जो शुरू होने जा रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये एक बहुत दूर की कौड़ी है, और इस रास्ते ये सफर जो है ये तैयारी है 2029 की। अब लगातार भारतीय राजनीति में ये कहा जाता रहा है कि आरएसएस और बीजेपी एक बड़ा संगठन है और इनका पब्लिक कांटेक्ट बहुत अच्छा है। वो इसलिए भी है कि अनवरत 365 दिन 24 घंटे लगातार ये कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। वो युवाओं को जोड़ने का मामला हो, महिलाओं को जोड़ने का मामला हो, बुद्धिजीवियों को जोड़ने का मामला हो, ये इस तरह के कार्यक्रम लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंथन भी चलता रहता है, विचार गोष्ठियां भी चलती रहती हैं, तमाम तरह के खेलों का आयोजन भी इन शाखाओं में होता रहता है। बच्चों को, युवाओं को उन खेल के माध्यम से शाखाओं से जोड़ा जाता है, और उसके बाद उनको जो राजनीतिक पाठ जो पढ़ाया जाता है वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत खेल से ही होती है। और आपको एक चीज और बता दूं कि खेल चाहे जो भी हो, खेल का मैदान, खेल का वो कोर्ट, खेल की वो पिच, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग की शिक्षा देती है, आपको आत्म अनुशासन की शिक्षा देती है, और तो और आप अपने आप को किस तरह से अपना माइंडसेट तैयार करते हैं इस प्रतिद्वंदिता के लिए, इस प्रतिस्पर्धा के लिए, वो सारा कुछ खेल का मैदान सिखाता है। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं। तो राहुल गांधी ने ये जो चीजें शुरू की हैं, अगर ये यात्रा निकलती है, और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया है राहुल गांधी ने अपने एक्स पर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें एक सकारात्मक चीजें हैं। और राहुल गांधी ने जो कि खुद एक मार्शल आर्ट के अच्छे जानकार हैं, ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, ब्लू बेल्ट होल्डर हैं, इसमें उनको निपुणता हासिल है, तो इसमें दो तीन चीजें तो साफ हो गई कि अगर इसके माध्यम से वो जो संदेश देना चाहते हैं आत्मरक्षा का और आत्मनियंत्रण का और आत्म अनुशासन का, जब तक आपके अंदर आत्म अनुशासन नहीं है, आत्मरक्षा का भाव नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो खेल के मैदान से ही आता है। मैंने इसको, ये मेरा अनुभव है। मैं आज के उस सो कॉल्ड जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें फिक्सिंग का भी जिक्र आने लगा है, ये खेल भावना नहीं है, खेल नहीं है। हम खेल उसी को कहते हैं जो ध्यानचंद जी ने जिसका सबक सिखाया। आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की जबरदस्त भावना पैदा करता है ये खेल। और आपने एक शब्द
हर जगह इस्तेमाल होते हुए सुना होगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो जो खेल भावना है, अगर एक एक नागरिक के अंदर वो कूट कूट करके भर जाए तो देश अपने आप बड़े सुगमता के साथ शीर्ष की ओर पहुंच जाएगा। फिर वहां कुछ अनाचार कदाचार अत्याचार की बात नहीं होगी। यहां मैं कुछ अपवाद बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपवाद हैं, उन्हें मैं अपवाद मानता हूं, वो खेल नहीं है, खेल के योग्य नहीं है। राहुल गांधी इसके माध्यम से आपको एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो मार्शल आर्ट है, इसके प्रति लगाव जो होता है वो टीनेजर्स में ज्यादा होता है। वो टीनेजर्स 14 साल से लेकर के 22 साल 25 साल टीनेजर्स, जब उनका एक किशोरावस्था से युवावस्था की ओर जो रास्ता निकलता है, जब उनका रूपांतरण होने को होता है किशोरावस्था से युवावस्था की ओर, उस बीच का जो उस वो जो दौर होता है, उसके अंदर अगर आप उन युवाओं के अंदर, उन किशोरों के अंदर आत्म अनुशासन और सेल्फ डिफेंस और ट्रेनिंग का भाव अगर पैदा कर दें, तो वो पूरा कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव बनकर के उभरेगा। और राहुल गांधी इसी आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर जोड़ना चाहते हैं, ताकि कोई किसी तरह का भटकाव ना हो, वो किसी गलत रास्ते पर न जाएं। खेल आपको गलत रास्ते पर जाने से भी रोकता है। देखिए, तमाम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं, वो अलग अलग ढंग से करेंगे। हमने उस खेल को चुना है और उस दिन को, जिस दिन इसे लॉन्च किया गया, तो वो युवाओं किशोरों को और युवाओं को जब आप इस तरह का सब पाठ पढ़ाते हैं तो उनकी पर्सनालिटी परफेक्ट होती है। एजुकेशन के साथ अगर खेल आपके जीवन में जुड़ा है तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो पूर्ण व्यक्तित्व होगा और उसमें कोई इब्बत नहीं है, आप इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करेंगे। कम से कम जब तक आप खेल से जुड़े हैं और एक बार खेल में जो जुड़ गया वो मरणोपरांत वो खेल से ही जाना जाता है। और खेल, यह मैं इन्वर्टेड कॉमा वाला खेल की बात नहीं कर रहा हूं, वो राजनीति में होता है। राहुल गांधी राजनीति में इस असली खेल को समाहित करके युवाओं को अनुशासित तरीके से राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति, युवा, जब किसी पार्टी के साथ जुड़ेगा, जब वो राजनीति में कदम रखेगा, तो यहां भी मैं बता दूं कि अनुराग ठाकुर टाइप के लोग अपवाद हो सकते हैं। तो वो जो चीज है, मैंने कहा कि 2029 की ये तैयारी है और 2024 से 2029 के बीच में बहुत सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, इसके तुरंत बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं।
उसके अगले साल तक दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। तो ये जो प्रक्रिया चलती रहेगी ठीक उसी तरह से जैसे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी चुनाव के ठीक पहले, तो ये एक अलग सबसे बड़ी चीज थी कि हाल के वर्षों में युवा कांग्रेस से जुड़ नहीं रहा था, अब किशोर भी उससे जुड़ेगा, युवा भी उससे जुड़ेगा, इस मानसिकता के साथ राहुल गांधी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं। आपने जोड़ा, आपने देखा होगा कि ये युवा ही थे, मैंने बहुत पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये इस बात का जिक्र किया था कि युवा और महिलाएं यही दो फैक्टर थे जिनकी बदौलत नरेंद्र मोदी 10 साल तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार के साथ देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज रहे। और पिछले चुनाव में जिस ढंग से, जिस तरीके से, वो चाहे पेपर लीक का मामला हो, नीट का मामला हो, नीट तो खैर बाद में आया था, उसी दिन आया था नीट का मामला जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हुआ था, पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारों बेरोजगारी का मामला हो, अशिक्षा का मामला हो, इन सब चीजों से जोड़ते हुए जब राहुल गांधी चले थे तो उनको देश का जो युवा है इस बार, अंतर बहुत मामूली है, 1-2% का ही अंतर है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को चुनने में, बीजेपी और कांग्रेस को चुनने में, एनडीए और इंडिया को चुनने में, लेकिन इस बार बाजी इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने जीती है। तो ये वो रास्ता है जहां पर युवाओं को जोड़ करके और देश की सियासत की दिशा को बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किशोरों से जुड़ना चाहते हैं, इसी के तहत हर साल बोर्ड एग्जाम के पहले, माध्यमिक स्कूलों के एग्जाम होने के पहले वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने बहुत से किशोरों को जोड़ा, उनके परिवार को जोड़ा, जिससे कि उनका दायरा बड़ा हुआ। आज राहुल गांधी डायरेक्टली खेल के माध्यम से किशोरों से जुड़ रहे हैं, बच्चों से जुड़ रहे हैं, युवाओं से जुड़ रहे हैं, जो कल का आने वाला मतदाता है। और इस मुहिम में अगर राहुल गांधी सफल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। दो चीजें, एक निरंतर कार्यक्रम और दूसरा युवाओं किशोरों से जुड़ना और उन्हें जोड़ करके फिर एक सकारात्मक राजनीति के चलते देश को शीर्ष पर ले जाना, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इसके लिए अगर ये, जब से भी ये शुरू होगी यात्रा, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो NSUI की होगी, जो छात्र संगठन है, यूथ कांग्रेस की होगी, इन दोनों को जोड़ करके, इन ये दोनों की जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ेंगी कि वो ही वो दिखाई देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो अभियान है राहुल गांधी का, डोजो यात्रा का, ये लोगों को जोड़ेगा जरूर, आकर्षित तो जरूर करेगा, लेकिन वो आपके पास आकर के आपसे जुड़ जाएं,
हमेशा के लिए। इसके लिए एनएसयूआई, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ करके लपकना होगा, उन युवाओं को हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ना होगा, जोड़ करके रखना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती होगी। राहुल गांधी लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने लोगों से, अपना जो जनता के साथ सीधा संबंध है, सीधा संपर्क है, उसको मजबूत करने का जो काम वो कर रहे हैं, इसमें समूचे कांग्रेस संगठन को और कांग्रेस के हर विंग को जुड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से कांग्रेस दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अधिकतम राज्यों में सत्ता पर काबिज होगी। और ये राजनीति बहुत दूर तलक जाएगी, इसका संदेश बहुत दूर तलक जाएगा, इसका मायने क्या होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, एक अपील के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी बातों को सुने, जैसा कि आप सुनते चले आ रहे हैं। आप ही लोग हैं जिन्होंने हमको यहां तक पहुंचाया है, ये हमारा आपका प्रेम संबंध बना रहे। इसके लिए वीडियो देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @AjayChaturvedi842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।